हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनोचिकित्सा क्लिनिक। मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये लगभग हर मेरा मरीज मुझसे पूछता है, विषय क्या है कि साहब हमारी गोलियां कब तक चलेंगी। अब हर एक मानसिक रोग के लिए जो एक कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है वह अलग अलग होता है। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यदि आप बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित हैं तो आपकी कोर्स कैसा होगा, आपकी गोलियां कब तक चलेंगी, और यदि आप स्किजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं तो आपकी गोलियां ट्रीटमेंट कब तक चलेगा। तो बहुत ही छोटा वीडियो है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए है क्योंकि यह जानकारी बहुत ही कम लोगों को है कि दरअसल हमें कब तक मेडिसिन चलना चाहिए। और इस जानकारी के अभाव में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बाइपोलर या स्किजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आया, तो चूंकि आज हमारे पास बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड क्लास मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही त्वरित परिणाम भी देती हैं और आपके लक्षणों को पूरी तरीके से समाप्त करने में भी काफी हद तक सक्षम है, तो होता यह है कि जैसे ही लक्षण समाप्त होते हैं तो अमूमन मैं अगर ये कहूं कि 90% तक जनता दवाओं को ड्रॉप कर देती है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लिटरेसी लेवल, तो ये गलत नहीं होगा। लोगों को लगता है कि साहब अब हमारे पास कोई लक्षण नहीं है तो अब गोलियां या ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो दरअसल कब तक आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो मित्र मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप बाइपोलर डिसऑर्डर की डायग्नोसिस वाले कैटेगरी में आते हैं, यदि कोई व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित है, तो हम यह देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री क्या है, हम यह देखते हैं कि एज क्या है ऑनसेट बाइपोलर डिसऑर्डर का, और भी ऐसे कुछ पैरामीटर्स देखते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर मैं इन पैरामीटर्स को किनारे करके भी बात करूं, तो यदि फर्स्ट एपिसोड ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर है तो आप यह मान के चलिए कि 8 महीने से 1 साल तक आपका साइकियाट्रिस्ट आपको आपका ट्रीटमेंट जरूर देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर हैविंग एनी सिम्टम और नॉट, क्योंकि लक्षणों का इतने लंबे समय तक रहना तो बहुत ही रेयर फिनोमिना है। लक्षण तो ट्रीटमेंट चालू होने के 10 दिन 15 दिन 20 दिन में ही जाने लगते हैं और कई बार 1 या 2 महीने में लक्षण का पूर्ण अभाव हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद आपका साइकियाट्रिस्ट लगभग 8 महीने से 1 साल की अवधि तक आपका कोर्स जारी रखेगा और इस अवधि में धीरे धीरे करके आपके ट्रीटमेंट को समाप्ति की ओर ले जाएगा। अब यदि हम मान लेते हैं कि आपके जीवन काल में आपको कभी भी इस ट्रीटमेंट के बाद सेकेंड एपिसोड आता है, तो ये मान के चलिए कि आपका साइकियाट्रिस्ट इस बार आपका जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो 3 साल से पहले समाप्त नहीं करेगा। मतलब यदि सेकेंड एपिसोड हुआ तो आपको 3 साल की अवधि तक ट्रीटमेंट लेना ही होगा, यदि आप चाहते हैं कि आपको फर्दर इस बाइपोलर डिसऑर्डर का रिकरेंस ना हो। और ना हो कहना स्पष्ट नहीं होगा, बेहतर कहना यह होगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसके फर्दर रिकरेंस के चांसेस को घटाया जाए तो 3 साल आपको ट्रीटमेंट लेना ही होगा। अब मान लेते हैं कि आपको तीसरा एपिसोड आ जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिया का अथवा डिप्रेशन का, तो अब यह आपके साइकियाट्रिस्ट के कंसाइंस पे होता है या उसका इंडिविजुअल डिसीजन होता है, आपके मल्टीपल पैरामीटर्स को आपके हिस्ट्री को देखते हुए कि वह आपके कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट को 5 साल तक करे अथवा लाइफ लॉन्ग जीवन भर करे। तो याद रखिए कि यदि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर में थर्ड एपिसोड ऑफ मेनिया या थर्ड एपिसोड ऑफ डिप्रेशन आता है, तीसरा एपिसोड, तो आपके ट्रीटमेंट का कोर्स 5 साल से लेकर लाइफ लॉन्ग तक हो सकता है। आई थिंक आई हैव मेड
my opinion very clear that in first episode, 1 year ka treatment, in second episode, 3 years ka treatment, or in third episode, possibility of 5 years of treatment or lifelong treatment. तो ये हुआ बाइपोलर डिसऑर्डर का कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट. अब स्किजोफ्रेनिया की बात करें तो स्किजोफ्रेनिया क्या होता है, कैसे होता है, मैंने अपने पहले के वीडियो में आपको पहले ही बताया हुआ है. आप मेरे चैनल में उन वीडियोस को ढूंढिए, आप समझ जाएंगे. अब कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट स्किजोफ्रेनिया का क्या होता है, तो मित्रों ये बहुत दुर्भाग्य है पर सत्य है, आज तक का अभी तक का ट्रीटमेंट मॉडलिटी जो हमारी जानकारी में है, यदि कोई व्यक्ति स्किजोफ्रेनिया से पीड़ित होता है और हम डायग्नोसिस बनाते हैं तो लगभग 99% ऑफ केस में जो ट्रीटमेंट है वो लाइफ लॉन्ग होता है, जीवन भर होता है. कई बार जब मैं यह बात उद्घाटित करता हूं, बताता हूं अपने मरीज को जो स्किजोफ्रेनिया से पीड़ित हुआ है, जो मेरे पास 15 साल की उम्र में स्किजोफ्रेनिया लेकर आया है या 20 या 25 साल की, तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं. लेकिन बेहतर यह है कि हम सत्य को, सच्चाई को व्यक्ति के सामने स्पष्ट तरीके से रख दें ताकि वह हमें ट्रीटमेंट में मदद करे और हमारी ट्रीटमेंट में मदद करके दरअसल वह स्वयं का मदद करेगा. तो मित्रों यदि आप स्किजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं तो मेरा सलाह यही होगा कि आप दवाओं को कदापि ड्रॉप ना करें. मैं मानता हूं कि आप सिम्टम लेस हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन इस परिस्थिति में भी आप ट्रीटमेंट ना रोकें और उस ट्रीटमेंट को निरंतर जारी रखें ताकि आप स्वस्थ रहें, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज ना हो, ताकि आप एक नॉर्मल डेली रूटीन में रह सकें, अपने काम को कर सकें. अन्यथा होगा ये कि यदि आप दवाओं को रोकते हैं तो रिलैप्स होगा, रिकरेंस होगा आपके डिसऑर्डर का, और ये रिलैप्स, ये रिकरेंस पुनः आपको गंभीर तरीके से बीमार कर देगा और इसकी भी संभावना है कि आपके बीमारी की गंभीरता पहले से भी ज्यादा बढ़ जाए. पर यह जो जानकारी मैंने आपको दी कि यदि स्किजोफ्रेनिया हुआ तो मे बी पॉसिबल और हाईली पॉसिबल कि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट आपका चलेगा. एक पॉजिटिव चीज मैं आपको ये बता दूं जो कि बहुत सारे रोगियों के परिजनों में एक भ्रम है, एक मिथ है कि अगर हम साइकियाट्री का ट्रीटमेंट लंबे समय तक लेते हैं तो शारीरिक नुकसान की बहुत अधिक संभावना है. तो मैं आपको यह चीज बहुत ही स्पष्ट तरीके से, साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि जो साइकियाट्री के मेडिसिन हैं वो बहुत 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 ज्यादा सेफ मेडिसिन की कैटेगरी में आती हैं. इससे ज्यादा अनसेफ मेडिसिन का सेवन हम बहुत बार करते हैं, चाहे वो सिंपल पेन किलर हो, चाहे वो सर्दी जुकाम की गोली हो. मैं कहूं कि ये पेन किलर और अन्य बहुत सारी सिंपल एंटीबायोटिक जो हम लेते हैं उससे भी बहुत ज्यादा सेफ कैटेगरी में आने वाली दवा साइकियाट्रिक मेडिसिन हैं, और जिनके लंबे समय तक लेने पर भी लगभग ना के बराबर साइड इफेक्ट प्रोफाइल हमें देखने को मिलता है. और जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल हमें देखने को मिलता है वो भी बहुत ही मामूली होते हैं, जिनका लॉन्ग टर्म कोई बुरा प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है. तो कृपया लॉन्ग टर्म साइकियाट्रिक मेडिसिन से आप फेयरफुल ना रहें, आप डरे ना और ये भ्रम ना पालें कि यदि हमें लाइफ लॉन्ग या लंबे समय तक साइकियाट्रिक मेडिसिन का सेवन करना पड़े तो हमारे शरीर पर इसका दुष्प्रभाव होगा. तो मित्रों ये आज की जानकारी थी, ऐसे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा. आपसे उम्मीद यही है कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आम जनमानस में जो साइकियाट्री के प्रति भ्रम है वह टूट सके. दिस इज डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा साइनिंग ऑफ. थैंक यू.